जोरदार तालियां, जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार तालियां। हमारे महागुरु सर को मैं माइक देने जा रहा हूं और उनसे आज वो लेसक आप लेकर जाइए कहीं ना कहीं कि सच में आप आज जहां पे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए करना क्या है आपको, उनको अनुसरण करिए, उस मार्ग को फॉलो करते रहिए, विद इन ए मंथ कुछ महीनों के भीतर आप उस मुकाम पे होंगे। तो सर को मैं वेलकम करूंगा और उनसे जानने जानेंगे पूरे इस मुकाम के पीछे उनका लाभ क्या है। थैंक यू सर। आज के इस मीटिंग हॉल में उपस्थित सारे लोगों को स्थान विशेष नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 जहां हम लोगों के लिए काफी बड़ा चैलेंजेस था, उम्मीद है कि 2021 आपका बहुत बढ़िया गुजरेगा। और जैसा कि आप सारे लोगों ने अपने अपने इनकम को बताया, तो इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों से मैं अपने तरफ से और यहाँ के जो हमारे फाउंडर लीडर हैं मिस्टर मिंटू पाठक सर और मिस्टर गणेश प्रसाद साहू सर, उन लोगों के माध्यम से मैं अपने तरफ से ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों को कि अगले दो महीना में आपने जितना भी इनकम किया अगले दो महीना में आपके टोटल इनकम पर 00 और एड हो जाए, क्योंकि कंपनी ने ऐसी प्लानिंग की है और बिल्कुल आप खुश नसीब हैं कि आपके अपलाइन इतने शानदार और जानदार हैं कि समय समय पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर ये पॉसिबिलिटी बन रही है। मुझे बोलने के लिए काफी कम समय मिला, वैसे तो मैं हर एक जगह पर लास्ट में आता हूं और यहां पर भी मुझे लास्ट में ही बोलने का मौका मिला। कंडीशन थोड़ी सी बुरी ये है कि इस हॉल को हम लोगों को 3 बजे छोड़ देना है और 3 बजने में शायद 25 मिनट टाइम है। 25 मिनट में मेरे लिए कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि मैंने जब नैनीताल की धरती पर मीटिंग किया था तो मीटिंग 4 बजे सुबह तक चला था सर। एमएलएम में इतिहास हुआ था 4 बजे सुबह तक मीटिंग, और हम लोगों का जो नेक्स्ट मीटिंग हुआ नेशनल लेवल पर जो पूरी में हुआ कितना बजे तक हुआ था सर? 2:30 बजे रात तक, 2:30 से 3 बज गया था रात। और अगला मीटिंग जो हम लोगों का 29 जनवरी को गोवा की धरती पर है, हम लोग सर उसको उतना लेट ना करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, नहीं तो आप लोग डरिएगा नहीं सर कि गोवा जाना है तो रात भर ये लोग जगाएगा, ऐसी बात नहीं है। उस प्रोग्राम को हम लोग 6 बजे शाम तक खत्म कर देंगे, 10 बजे शुरू करेंगे और 6 बजे शाम तक खत्म कर देंगे उसको, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बेसिकली प्लान वगैरह के बारे में आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से मिस्टर अनिल सर ने बताया, आप लोगों को, आप लोग काफी बढ़िया से उसको समझे होंगे। मैं थोड़ी थोड़ी बातें उसमें से आपके सामने शेयर करूंगा कि इस प्लान में पैसा कहां पर है, क्यों ये सुभतम जो है दूसरी कंपनियों से डिफरेंस है। एमएलएम में जहां पर डे नई नई कंपनियां आ रही है, हिंदुस्तान के अंदर लगभग लाखों कंपनियां चल रही है, तो सुभतम उसमें हट करके कैसे है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बिल्कुल आप इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो बोलने के लिए सर बहुत टॉपिक है इसमें, लेकिन एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि इस सिस्टम में पैसा कहां पर है और कैसे ये कंपनी लॉन्ग टर्म में चलेगी। जो आज हम लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 1500 रुपये कंपनी ले रही है और 3000 का रिचार्ज या 2400 का रिचार्ज, जियो में है तो 2400 का रिचार्ज, एयरटेल आइडिया वोडाफोन में हमारा 3000 का रिचार्ज, ये कैसे पॉसिबल है, बहुत बड़ा हमारे सामने एक सवाल है। और जब हम लोग इसको मार्केट में समझाते हैं तो अगला बंदा भी हमको शक के निगाह से देखता है, क्योंकि सर माहौल खराब है। यस। और उसी के चलते हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी चीज को दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज, और इसको थोड़ा सा हम लोग सर देखते हैं कि इस प्लान में पैसा कहां पर है, आखिर क्या कारण है कि आज 8 महीना काम करके एक साधारण सा पारा टीचर मिस्टर बसंत सर ने 22 लाख की हेरियर ले ली और आज भी इनके अकाउंट में जो पैसा है ना वो इंडेवर और फॉर्चुनर अभी का अभी खरीद सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, यहीं से ट्रांसफर करेंगे और हो जाएगा। लेकिन अपना सोच को धीरे 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 धीरे, चूंकि एक कहावत है ना कि देख पड़ोसी जल मरे,
बहुत सारा इनको देख करके दूसरे जो एमएलएम वाले लीडर है ना वो सुसाइड कर लेंगे, ये कैसे पॉसिबल हो गया। और ऐसी माहौल बन रही सर आप लोगों के आसपास भी, आपके दुश्मन आपने बहुत सारे पाल लिए होंगे, जो दूसरे एमएलएम वाले लीडर हैं वो आज के रेट में बैठ बैठ करके एसएमपीएल का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पूछते रहते हैं। yes. मैं सर बोकारो में एक मीटिंग करने गया था, वहां पर पूरे वकील की एक टीम है, बिहार में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है नवादा डिस्ट्रिक्ट, और नवादा डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे वकील हैं सारे के सारे इस शुभोत्तम के मेंबर हैं। wow. और पटना हाई कोर्ट के जो वकील हैं बहुत सारे वकील हमारा इस एसएमपीएल से जुड़े हुए हैं। तो उसमें से एक बंदे ने बोला ना कि हम लोग सर इंतजार कर रहे हैं, आज से चार महीने पहले की बात बता रहे हैं, कि एसएमपीएल बंद हो और हम लोग कंपनी के ऊपर कंप्लेन करें। मैं बोला सर आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा, ऐसा होगा नहीं, आप इंतजार करते रहिए, क्योंकि सर हर एक लोग को अपने धंधे से मोहब्बत है। यस, हर एक लोगों को धंधे से मोहब्बत है। एक डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान के हर एक लोग हेल्दी हो जाए, चाहते हैं डॉक्टर? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो सर उनका धंधा है। तो उसी तरह से वकील लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हर एक लोग सर खुशहाल रहे, मियां बीवी में प्यार मोहब्बत रहे, वो चाहेंगे कि मियां बीवी में सर टेंशन हो और तलाक हो ताकि हमारे पास केसेस आए और हम इसको लड़े और हमको इनकम बनेगा। हर एक लोग सर अपना ही धंधा के बारे में सोचते हैं। तो मैं बोला कि सर ये आपका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एसएमपीएल जो है ना मैजिक की तरह नहीं चल रहा बल्कि लॉजिक से चल रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है हम लोग सर आज इस मीटिंग में इसको समझेंगे, कैसे एसएमपीएल चल रहा है। क्योंकि सर मार्केट में जिस समय एसएमपीएल ने स्टार्ट किया था उस समय बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन आज के डेट में कोई नजर आ रही है? नो, कोई नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही है एसएमपीएल। yes. स्टार्टिंग में बहुत सारे लीडर आए हैं एसएमपीएल को ज्वाइन किए और बोले कि ये कंपनी दो महीना तीन महीना चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आज ये कंपनी सर आठ महीना चल गई और लोगों को सर नौ रिचार्ज कंप्लीट मिल गया। yes. और बहुत सारे लोगों का सर दसवां रिचार्ज का एकदम टाइम आ चुका है और 24 घंटा सर रिचार्ज हमारा यहाँ पर लाइव है, जब आपकी मर्जी तब आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? आजकल कौन अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहता है, पर ऑनलाइन कहाँ से आ रहा है इतना पैसा कंपनी को? लोग तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि लगता है कि कंपनी के पास अलाउद्दीन का चिराग है, रगड़ता है और उधर से जिन निकलता बोलता हुकुम मेरा आकर। कैसे हो पाता है भाई 1500 रुपया दिए, जबकि उससे पहले सर 1250 था, उसके पहले 1000 रुपया था। तो 1000 रुपया बंदे ने दिया और आज के डेट में रिचार्ज कितना ले लिया सर 250 करके, अगर हम लोग उसको 9 बार पकड़ते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखेंगे 2250 रुपए का, यानी कि 1000 के अगेंस्ट में कंपनी ने कमीशन भी दे दिया और 2250 रुपए का रिचार्ज ले लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है, आखिर कहाँ पर पैसा है इसमें? तो एक जनरल लोग जो हैं उनका ये सोच होता है कि लगता है कि रोटेशन हो रहा है, लेकिन सर रोटेशन नहीं है, समय कम है। इसीलिए हम भी अपने बात को जिस तरह से हम लोग अगर कोई मूवी को देखना चाहते हैं तो हम लोग स्किप कर करके देखते हैं, तो हम भी अपनी बात को स्किप कर करके आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, 3 बजे खत्म भी करना है। तो देखिए सर एक दो पॉइंट को यहाँ पर, सर फर्स्ट टाइम हमने 1500 रुपए दिया कंपनी को, अब कंपनी इसमें क्या किया, डिसबर्समेंट किया, खर्च किया, कहाँ खर्च करती है इसका एक बाइनरी है, इसके ऊपर एक मैचिंग है हमारा, मैचिंग में कितना देती है सर कंपनी 150, 1500 में 150, और डिडक्शन होता है सब कुछ, टीडीएस है, एडमिन है, और वो सब डिडक्शन होने के बाद कितना मिलता है मुझे 121.50 रुपए। ये 1500 की दो आईडी पर ना सर, 1500 की दो आईडी पर हमें मिलते हैं 121.50 रुपए। ऑन एवरेज अगर एक आईडी की बात करें तो एक आईडी पर इनकम कितना हुआ सर 60 रुपए, इसको 2 से भागा दे देंगे लगभग राउंड फिगर में सर 60 रुपया हुआ है, 60 रुपया। अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक बंदे से सर मीटिंग हो रही थी हमारी और अधिकतर लोग ये चीज पूछते हैं कि सर कंपनी का मिशन और विजन क्या है। बहुत ज्यादा जो अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं ना उन्हीं का ये सवाल होता है कि सर कंपनी का मिशन और विजन क्या है। तो मैं पूछ रहा हूं सर कि सबसे पहले अपना मिशन और विजन को ठीक कीजिए, क्योंकि जितनी भी कंपनियां आती है ना और जितनी भी कंपनी के टॉप लीडर आते हैं उनका मिशन और विजन खराब किसी का रहा है आज तक? नहीं, नहीं रहा है।
मिशन और विजन हम लोग को अपना ठीक करना है कि हम किस मिशन और विजन के तहत इस कंपनी को ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारा चीज सर अच्छा हो जाएगा, कंपनी का भी मिशन और विजन ठीक हो जाएगा। हम यहाँ पर सर 60 रुपए का इनकम किए और हमने क्या बोला कि 1500 रुपए की आईडी लगा लो। किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं 1500 रुपए दे दो आईडी लगा लो और हमें 60 रुपए बन जाएगा। हम किस चीज के लालच में हैं? 60 रुपए के लालच में। हमारा मिशन और विजन क्या है? 60 रुपए कमाना। अब ये बंदा जो है जिससे हमने 1500 रुपए लिया है, हो सकता है वो इम्प्लॉई हो, बिजनेस करता हो, खेती बाड़ी करता हो, अब इसको आईडी भी खोलने नहीं आता, वो साइड भी नहीं खोलेगा एसएमपीएल का। आपको बोलेगा सर रिचार्ज कर दीजिए, आप कितना बार? 12 बार आपको फोन करेगा सर कम से कम, रिचार्ज कर दिए। आप मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं और आपको उधर से फोन मार रहा क्या भाई रिचार्ज कर दो, आप उसका फोन नहीं उठाएंगे और जैसे ही मीटिंग खत्म होगा जाकर के उससे बात करेंगे। तो आप कितने बड़े सुपरस्टार है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको ऊपर गर्म हो जाएगा, मैं तुमको फोन कर रहा था क्यों नहीं उठाया, कोई नहीं होगा ये बात। अब उसके बाद क्या है, आप उसके आप सर यहाँ पर जैसे मिंटू पाठक जी वैगन आर रिसीवर है 650,000 की गाड़ी, 625,000 की कंपनी ने इनको दिया, उसके पहले 2.5 लाख का अल्टो, उसके पहले बुलेट, अगर इनकी पूरी रिवार्ड को अगर हम लोग काउंट करें तो 11,08,000 का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड अचीव करके पाया। तो इतने सारे रकम इन्होंने किया लेकिन उनके नजर में क्या है, मिंटू पाठक जी की कोई हैसियत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक यूजर है। अब यहाँ पर सर 12 बार फोन किया और 12 बार मिंटू जी को भी बताना होगा कि मैंने आपका रिचार्ज कर दिया, तो टोटल जो कॉल का आदान और प्रदान होगा मिनिमम सर 24 बार होगा। इनकम कितना हुआ सर? 60 रुपया, इसको 24 से भागा दे दीजिए, आया सर 2 रुपया 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। चलिए थैंक्स बोलना चाहेंगे कि 20 मिनट का और टाइम बढ़ गया सर, 3:20 तक हम लोग सुन पाएंगे। तो सर यहाँ पर 2.5 रुपया एक आईडी से एक आदमी से फायदा हुआ हमको एक कॉल के ऊपर 2.5 रुपया। आप सर इतने सस्ते हैं? 2.5 रुपये के लायक हैं आप? अपने आप को सर सबसे पहले समझिए कि आप हैं कौन, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि तो बोला जाता है ना कि जितना बड़ा सोच होगा ना वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर सोच छोटा है साधु और महात्मा की तरह कि पूरा खाना खा लिए और गंजी उठाकर पेट ऐसे ऐसे सहला रहे हैं, अगर ऐसा सोच है तो सर जिंदगी में कभी भी हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे, सोच को बड़ा करना होगा। ये सर 2.5 रुपये का सोच लेकर के आए हैं और बंदे का सर रिचार्ज कर रहे हैं और उसका हेडेक अपना सर पर ले लिए। सर उसका तो रिचार्ज ही नहीं हो रहा है, अगला दिमाग खराब करके रख दिया। सर अगला दिमाग नहीं खराब कर दिया, अपने दिमाग खराब करने वाली खुद ही ले ली कि तुम मेरा दिमाग खराब करो। वैसे लोगों को जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। अगले बंदा ने सर 1500 दिया और 3000 का रिचार्ज लेगा, अपना पूंजी को सर डबल कर लिया एक साल के अंदर। 1500 का बेनिफिट वो कमा रहा है और 60 रुपए का बेनिफिट आप कमा रहे हैं और टेंशन इतना बड़ा ले लिया। सर ये बिल्कुल आपका गलत सोच है। सबसे पहले आप अपना मिशन और विजन को ठीक कीजिए, क्योंकि मिशन और विजन सर कंपनी का चाहे जो हो, आपका क्या मिशन विजन है पहले इस चीज को समझिए। मिशन विजन सर किसी का खराब नहीं होता है, हमारे घर में 3 साल का बच्चा है, आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, उसका मिशन और विजन क्या है? 3 साल का बच्चा से पूछे बेटा पढ़ाओगे क्या बनोगे, बोलेगा डॉक्टर। बनता है डॉक्टर? बनता है डॉक्टर? नहीं बनता है। क्या हुआ मिशन और विजन का उसका, उस बच्चे का मिशन और विजन का क्या हुआ? वो तो डॉक्टर से नीचे बात ही नहीं करता है। पढ़ाओगे क्या बनोगे? डॉक्टर। पढ़ाओगे क्या बनोगे? इंजीनियर। लेकिन आगे चल के क्या होता है? लुधियाना का फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर हो जाता है। कहां गया उसके मिशन विजन? मिशन विजन सर सोचने से नहीं होगा, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना होगा। आपने किस टाइप का वर्क किया? यही रिचार्ज समझ लिया और लोगों को जोड़ने का काम कर दिया कि तुम्हारा रिचार्ज हो जाएगा, मुझे 60 रुपया आना चाहिए। इससे सर कुछ भी मिशन और विजन में बदलाव आपका नहीं हुआ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपनी खुद की आईडी लगाएंगे। वैसे लोगों को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो भी एक समाज का तबका है। हम लोग उससे एक्सपेक्टेशन ही उसी तरह का रखते हैं, हमने उसको कभी प्लान बताया ही नहीं कि वो बंदा भी सर कर सकता है, हमने सोचा ही नहीं। हमने उसको क्या सोचा? ये रिचार्ज ले सकता है।
और हम रिचार्ज लेकर के उसको समझाने गए, बंदे ने रिचार्ज ले लिया। आप सोच के ये जाते हैं कि हम इसको नेटवर्कर बनाएंगे, बिल्कुल ज्वाइन करता है। आप उसको सोच के जाते हैं कि हम इसको एक बड़ा लीडर बनाएंगे, इस कंपनी में जितने सारे रिवार्ड्स हम उसको अचीवमेंट करवाएंगे, बिल्कुल वो सर ज्वाइन करता और सारे रिवार्ड से अचीव करता। आज इस कंपनी में सर एक दो नहीं बल्कि हजारों और लाखों लोग ऐसे हैं जो कि सर फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी नेटवर्किंग नहीं किया और आज इस कंपनी से सर अच्छे अच्छे रिवार्ड अचीव कर रहे हैं, क्योंकि उनके सीनियर ने उनको उस लायक समझा, उनके ऊपर मेहनत किया, प्लान को प्रॉपर वे में जानकारी दिया और तब जाकर के सर इस कंपनी से वो लाखों कमा रहे हैं। आज के डेट में इनकम की सर इस कंपनी में तो बात ही नहीं कि इनकम कितना आ रहा, हम लोग तो खुद सोच के तंग है कि भाई इतना पैसा कैसे आ रहा। और ये ऐसा नहीं कि दंग है, ये शुरुआत दिन में कैलकुलेशन था सर, आएगा ही आएगा। हर एक के गार्जियन को सर पता है कि फ्राइडे को पेमेंट आता है, पता है ना? आप लोग के भी घर वाले को पता होगा और डेली फ्राइडे के दिन वो पूछ लेते हैं कि इस बार कितना है, हाँ इस वीक में कितना है, वो लोग पूछते रहते हैं, एक्साइटेड हैं वो कि पिछला वीक का अगला वीक में रिपोर्ट टूटेगा, उसका अगला वीक में रिपोर्ट टूटेगा, बराबर इनकम बढ़ते जा रहा है, तो गार्जियन भी एक्साइटेड है। तो मेरे फादर जो है हमारा, हम जो है एक्चुअल में हम लोगों का खानदान में ज्वेलरी का दुकान है, सोना चांदी का जो जेवर होता है ना, उसकी मेरे खानदान में 100 दुकान है, पूरा हम लोग का ज्वेलरी का ही धंधा है। मैं एक रास्ता भटक गया भटक के बोला जाता है कि दाग अगर अच्छे हैं, एक प्रचार आता है ना कि दाग अच्छे हैं, उसी तरह से मैं भटक गया तो सही भटका। मैं सही भटका क्योंकि जेवर की दुकान में अगर मैं आ जाता तो शायद पैसा तो बहुत कमाता लेकिन ये इज्जत नहीं कमा पाता, पहचान नहीं कमा पाता, ये नहीं बना पाता। तो आज ऑल ओवर इंडिया में जो पहचान हो गई है ये जेवर के दुकान में सर, अगर आप पीसी ज्वेलर्स के ओनर को कौन लोग पहचानते हैं? कोई नहीं। इतनी बड़ी सर ब्रांड है पीसी ज्वेलर्स, करिश्क का ओनर को कौन पहचानता है? कोई नहीं। अब उससे भी धनी बनना है सर, लेकिन पहचान नाम है, ओनर को कोई नहीं जान रहा सर, क्योंकि वो दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया अपने लिए किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भी आज के डेट में सारे के सारे लोग कर रहे हैं ये दूसरे के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये अलग बात है कि दूसरे के लिए कर रहे हैं और अपने लिए पैसा आ रहा। तो हमारे फादर भी पूछ लिए कि बेटा इस सप्ताह कितना पैसा आया, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और आर्मी में रिटायर करने के बाद उनको तीन जगह से ऑफर आया था, तो उन्होंने बीसीसीएल जो कोल इंडिया की कंपनी है ब्रांच है, तो उन्होंने बीसीसीएल को चुना, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो पूछे कि बेटा कितना है इस सप्ताह, मैं बोला कि आपने जो रिटायरमेंट किया था ना और आपका जो रिटायरमेंट का जितना पैसा मिला था ना उतना एक सप्ताह में आया। क्योंकि ये हमारा महानगर है कोलकाता, मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं अपना इनकम को बताता ही नहीं क्योंकि अपहरण का डर लगता। बोले कितना है, क्या मजाक कर रहा है, मेरा रिटायरमेंट का पैसा कितना मिला जानता है तू? मैं बोला बिल्कुल जानता हूँ, आप 2010 में रिटायरमेंट किए थे, मुझे पता है आपका रिटायरमेंट का पैसा कितना मिला था। बोले कितना? बोला 10 लाख मिला था ना आपको। बोला हाँ। इससे भी ज्यादा तुमको आया? बोला हाँ। एक सप्ताह में इनकम इससे ज्यादा आ गया। मैं बोला कि बिल्कुल। बोला कितना आया? बोला 13 लाख आया एक सप्ताह। आज के डेट में सर ये सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसके लिए कुछ हो नहीं रहा विशेष, ये चीजें ऐसी है कि एक्चुअल में जो MLM होता है ना वो यहाँ पर है, लोग पैसा बना रहे हैं, इसके जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो सिस्टम तैयार किया गया है, अगर हम सिस्टम के तरीके पर चलेंगे तो बिल्कुल सर पैसा है। बस सर एक जरूरत है हम लोगों को अपने लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करने का। संतुष्ट सर कभी मत होइए, ना 1 लाख कमा के संतुष्ट होइए, ना 1 करोड़ कमा के संतुष्ट होइए। क्यों? क्योंकि अभी बसंत सर ने बताया ना कि सपना सर छोटा मत रखिए, सपना बड़ा रखिए, और इन्होंने बहुत अच्छा अपना सपना सेट किया है कि 100 पुअर फैमिलीज के जो गरीब लड़कियां हैं उनकी मैं शादी कराऊंगा अपने खर्चे पर, एक बहुत अच्छा सोच है। तो बिल्कुल इसी टाइप के साथ हम लोग को भी कुछ रखना है, सोच छोटा छोटा नहीं रखना है, हम लोग आज कुछ रखे कल कुछ रख दिए, एक बढ़िया सोच रखिए। यहाँ पर वो चीजें SMPL ने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि वो हमारा पॉसिबल है। आज आप मार्केट में जाते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इनकम आ रहा है, तो थोड़ा सा दिखाइए ना अपना बैंक का स्टेटमेंट, थोड़ा दिखाइए ना सर आईडी खोल करके। मैंने सर 21 साल से MLM किया, मैं बहुत ज्यादा कंपनी नहीं किया और अभी तक मेरा ये लाइफ का छठा कंपनी है,
और 31 साल से एमएलएम लाइन में हूं मैं। मैंने आज तक किसी से भी नहीं पूछा कि आप अपना अकाउंट खोल करके दिखाइए और अपनी आईडी खोल के दिखाइए कि इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आईडी खोल करके देखने से क्या मिलेगा सर। बोलते हैं मोटिवेशन मिलेगा, तो गूगल पर सर सर्च कीजिए कि राष्ट्रपति का पेमेंट कितना है। मोटिवेशन मिलना चाहिए, बन जाइए राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज का पेमेंट कितना है, बन जाइए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर आपको पेमेंट ही देखने से अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है तो आईएएस का पेमेंट पूछिए, बन जाइए आईएएस। बनते हैं सर, दूसरे का चेक देखने से कुछ नहीं होता है। सबसे मेन होता है कि वो प्लान आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जो काम आप करने जा रहे हैं, एक लड़का है मैट्रिक में 4 बार फेल हुआ, इंटर में 6 बार फेल हुआ और उसका बाप बोल रहा है बेटा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जा कोटा, जा दिल्ली और आईएएस ऑफिसर बन। बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी उसके लिए है ही नहीं, वो सक्षम नहीं है उसमें। तो सबसे पहले यहां पर भी सर हम लोग वो चीजें देखना होगा कि हमसे होगा कि नहीं होगा। जो ये प्लान आप देखे अनिल सर के माध्यम से, उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो बिल्कुल ये काम सर आपके लिए है, ये सिंपल है, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, ये सारे के सारे लोगों ने करके दिखा दिया। और इसके पीछे भी रीजन ये है कि ये जो कंपनी है दूसरी कंपनी में और इस कंपनी में अंतर यही है सर कि दूसरी कंपनी में कंपनी के ओनर कंपनी को चलाते हैं। ऊपर से एक आएगा न्यूज कि सर आज से ये चीज हो गया, जिसको हम लोग सर अपने बोलचाल की भाषा में हिटलर शाही बोलते हैं, और वही चीज आपको सर माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी के फाउंडर हैं, कंपनी के कोर कमेटी के मेंबर हैं। यहाँ पर जितने सारे कोर कमेटी के मेंबर है थोड़ा खड़े हो जाएं, बहुत कम लोग होंगे। देखिए ये सारे लोग कंपनी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये लोग सर डिसाइड करते हैं और इधर से डिसाइड होकर के कंपनी को बताते हैं कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया और कोर बैठ जाइए। और आज के डेट कोर कमेटी जो डिसाइड करती है वो कंपनी मानती है। दूसरी कंपनी में सर एक आदमी का दिमाग गलत हो सकता है, कंपनी का ओनर एक होता है, दो होता है, तीन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, ऐसे इससे ज्यादा होते हैं किसी कंपनी में? नहीं होते। लेकिन यहाँ आज के डेट में सर कोर कमेटी का संख्या सर 100+ है और ये 100 लोग सर गलत नहीं हो सकते हैं। 100 लोग आपस में बहस करते हैं और तब जाकर के जो वहां से कानून बनता है जो कंपनी के लिए बेहतर साबित होता है, एसोसिएट के लिए बेहतर साबित होता है, वो आपके सामने निकल के आता है। इसीलिए प्लान सर अच्छा है। आज प्लान इतना अट्रैक्टिव, जो लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 प्लान, हम लोगों ने सर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ पर आज कंपनी के 8 महीने के अंदर 8.5 लाख ग्रीनिंग आईडी का रिकॉर्ड दूसरी कंपनियों में सर देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी में टोटल 11 रिवार्ड है, 10 रिवार्ड के अचीवर्स सर ऑलरेडी मार्केट में है, 7-7 रिवार्ड, 8-8 रिवार्ड, 9-9 रिवार्ड अचीवर्स। आप लोग के बीच में सर 9वां रिवार्ड है जीवर मिंटू पाठक जी, 8वां रिवार्ड, एक आईडी नहीं 2-2 आईडी पर 8वां रिवार्ड, कंपनी के 11 रिवार्ड में से 8वां रिवार्ड है जीवर मिस्टर गणेश साव जी हैं, 2-2 आईडी पर। तो ये सर मतलब ऑलरेडी प्रूफ कर दिए। दूसरी कंपनियों के रिवार्ड क्या होता है सर? दिखाने के लिए होते हैं। इतना बड़ा बड़ा टारगेट दे दिया जाए कि वहां पहुंचते पहुंचते या तो कंपनी उनको छोड़ देती या वो कंपनी को छोड़ देती। यहाँ 8 महीने के अंदर सर लोग ले लिए, अब कंपनी ने इसमें डिसीजन लिया है कि मैं अब इसमें रिवार्ड की संख्या को सर और बढ़ाऊंगा। जो हमारा BMW है लास्ट रिवार्ड, जो कि वहां पर भी बंदा पहुंचने वाला है, उसके आगे भी हम मतलब कि उसको बढ़ाएंगे और हेलीकॉप्टर तक कंपनी यहाँ ला रही है। तेजी से हो रहा है। मैंने एक ग्रुप में शेयर किया था कि हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना है, क्योंकि सर वो चीज यहाँ आ रहा है, हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना है, हेलीकॉप्टर का कॉस्ट कितना है। मैं आज तक समझता था कि एक ही तरह का हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन उसमें जाने के बाद पता चला कि सर हेलीकॉप्टर में बहुत सारा वेराइटीज है और अलग अलग माइलेज है। तो अब वो चीजें कंपनी सर देने जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर ये पॉसिबिलिटी है, जब आप लोग ज्वाइन किए चाहे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या 2 महीना पहले या 8 महीना पहले, आप लोगों को यहाँ सर एक रैंक बताया गया था, एक क्लब बताया गया था जिसका नाम था सर सिल्वर क्लब। आप सिल्वर क्लब में जब उस समय बेनिफिट सुने होंगे तो सिल्वर क्लब सर आप इसीलिए बने कि सिल्वर क्लब बनने से मुझे क्या फायदा है कि जब हमारे नीचे सिल्वर की मैचिंग होगी तो मुझे 400 मिलेगा। यही ना पता था सर? यस। कि जब हम सिल्वर क्लब बन जाएंगे
तो हमारे नीचे लेफ्ट और राइट में बाय डिफॉल्ट सिल्वर क्लब आएंगे क्योंकि 10% डिडक्शन है, तो उनके मैचिंग पर मुझे 400 रुपए पर आईडी बन जाएगा और इसकी भी 5 पेयर की कैपिंग यानी 2000 मुझे पर डे मिलेगा। और दूसरी एक फायदा आपको यह पता चला होगा कि सिल्वर में जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर का बंदा जो सिल्वर है वो जितना सिल्वर मैचिंग का इनकम करेगा उसका 10% स्पॉन्सरिंग बोनस। इसके अलावा कोई तीसरा फायदा सर सिल्वर क्लब बनने से? नहीं सुने थे? लेकिन जब हमारा रिपर्चेज प्लान आया तो आपको पता चला होगा कि कंपनी के टर्नओवर का 5% उसके लिए अलग से आपने मेहनत किया सर? नहीं, कंपनी नहीं भी दे सकती थी क्योंकि कंपनी ने आपसे वादा नहीं किया था, लेकिन कंपनी ने आपको बिन मांगे सर दिया कि आप कंपनी के सिल्वर हैं तो कंपनी के टर्नओवर का सर 5% क्योंकि आप बूस्टर में हैं। आज जो डायमंड है कंपनी के बूस्टर का सर 26%। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, कंपनी के टर्नओवर का सर 26% नहीं मिलता है। और जिस कंपनियों में सर आज के डेट में बोला जाता है कि ट्रेवल फंड, हाउस फंड, बाइक फंड, कार फंड 1-1.5% होता है सर, और उसके लिए टारगेट पसीने छूट जाएंगे सर। यहाँ पर कंपनी के टर्नओवर का 26% टारगेट क्या? जीरो। टारगेट जीरो, क्योंकि कार फंड किसी भी कंपनी में कब मिलता है, जो हाउस फंड मिलता है कब मिलता है? बड़े लेवल वाले को कि छोटे लेवल वाले को? बड़े लेवल वाले को। और कंपनी कहती है कि आप बड़े लेवल पर चल गए, आप हाउस फंड ले रहे हैं, आप कार फंड ले रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? 1 लाख महीने की खरीदारी सेल्फ आईडी पर करो। सर वो कार से हेरियर गाड़ी से घूम रहा है वो सीनियर, 1 लाख का सामान क्या करेगा? सेल्समैन बना दिए तो आपने, वो बेचेगा ही ना। एक तरफ आप उसको बोल रहे हैं कि ये सबसे टॉप लीडर है और दूसरी तरफ वो क्या हो रहा है? फेस वॉश बेच रहा है। किस टाइप का सीनियर सर? दूसरी कंपनी को उठा के देखिए, यही होता है। हमारी कंपनी बोल रही है ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा, ना यहाँ पर डायमंड क्लब का बंदा बेचेगा। करना क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ यूज करना है, और आपको यूजर बनना है ना कि सेलर बनना है। हम लोग यहाँ सेल्समैन नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूजर बनाते हैं कि भाई आप सिल्वर क्लब में हो, 500 की खरीदारी कर लो, काम खत्म, अपने यूज का प्रोडक्ट खरीद लो। डायमंड क्लब में भी अगर हो, सिर्फ और सिर्फ 2000 की खरीदारी करो और आपका जो कंपनी के टर्नओवर का 26% है वो पर मंथ आपको मिलेगा। आगे भी जो बेनिफिट है वो भी है। तो इसके लिए कुछ बड़ा हम लोगों को कंपनी ने टारगेट नहीं दिया कि लेफ्ट में इतना होना चाहिए, राइट में इतना होना चाहिए, सेल्फ आईडी पर इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल कैरियर को कंपनी ने बनाया जिसके चलते कंपनी बूम कर रही है। तीसरी चीज कि आज तक तो सर हमने यही सुना कि सिल्वर क्लब इसी तरह से गोल्ड क्लब, प्लेटिनम क्लब और डायमंड क्लब दो ही इनकम है वहां पर, कि सिल्वर की मैचिंग और स्पॉन्सरिंग 10%। गोल्ड में सेम, गोल्ड की मैचिंग 800 रुपए पर आईडी और उसकी स्पॉन्सरिंग 20%। प्लेटिनम में हमने सुना 1600 रुपए पर आईडी और उसकी स्पॉन्सरिंग 30%। और लास्ट डायमंड क्लब जिसकी मैचिंग 3200 और स्पॉन्सरिंग 40%, 40%। यही ना। उसके बाद क्या आया, हम लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी के टर्नओवर का हमको मिलने लगा। कितना? सिल्वर वाले को 5%, गोल्ड वाले को 6 और 5 वो भी 11, और उसके बाद हमारा प्लेटिनम 11+7=18 और डायमंड वाले को 26 कंपनी के टर्नओवर का सर ये हमको मिलने शुरू हो गया। मतलब एक गिफ्ट हमको अचानक मिल गया। और उसके बाद सर थोड़ा सा चैन से सोना है तो जाग जाइए सर, जागिए, क्योंकि आपने अपने घर वाले को बताया होगा कि जा रहे हैं एक मीटिंग सुनने। किस चीज का मीटिंग? बोले कि वहां पर लाइफ अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को वहां पर मिलने जा रही है। धनबाद से सीनियर आ रहे हैं, महागुरु कोई बोलता है, ऋषि मुनि कोई बोलता है, मोइन बाबा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइटल दे दिया। किन्हीं की नजर में मैं बाबा हूँ, किन्हीं की नजर में मैं महागुरु हूँ, किन्हीं की नजर में बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी हूँ। तो सर हमको जब सुनने आए, थोड़ा सा सर सुनिए, घर वाले बहुत उम्मीद लगा करके भेजे होंगे आपको, और आपके टीम वाले भी आपको सर भेजे होंगे कि सर जाइए आप सुन के कुछ आइए। बैठे बैठे अगर नींद आ रही है तो सोने के बाद तो हम लोग सब कोमा में चल जाएंगे। ऐसा भूल ना करें सर। तो इसके बाद कंपनी ने सर एक और गिफ्ट दिया हमें। क्या दिया? ग्लोबल क्लब। अब कंपनी बोल रही है कि आप सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब, प्लेटिनम क्लब, डायमंड क्लब बन जाते हैं और उसके बाद ग्लोबल के मेंबर बन जाते हैं,
तो पर आईडी हम सर 250 रुपए निकालेंगे और ये हम बांटेंगे इसका 10% सिल्वर में यानी कि 25 रुपए पर आईडी, इसका 20% गोल्ड में यानी कि 50 रुपए पर आईडी, इसका 30% यानी कि 75 रुपए प्लेटिनम में और 40% यानी कि 100 रुपया ये डायमंड वाले में। और मजे की बात यह है कि इस ये वाला पैसा और ये वाला पैसा डायमंड को सभी का मिलेगा हिस्सेदारी, क्योंकि जो एक डायमंड है वो सिल्वर क्लब भी है, वो गोल्ड क्लब भी है, वो प्लेटिनम क्लब भी है और वो डायमंड क्लब भी है, तो चारों की सर उसको बेनिफिट मिलेगी। इस चीज के लिए उसने सोचा था नहीं, सर। नहीं सोचा था, ये वो उसको क्या मिला सर, ऐसे गिफ्ट मिला। तो हमारी सोच से भी ज्यादा सर कंपनी दे रही है, बस हम लोगों को अपना प्लेटफॉर्म को तैयार कर लेना है। तो कंपनी का मिशन और विजन सर बहुत बढ़िया है, हम लोग अपना मिशन और विजन को दुरुस्त करें। कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी बनने जा रही है और सिर्फ यही सेक्टर नहीं रहेगा कंपनी का, कंपनी का बहुत सारा सेक्टर आएगा। कंपनी रियल एस्टेट के भी सेक्टर में जाए, क्योंकि सर सारे लोगों को पता है सर, जिनका माइक बज रहा है मोबाइल वो रिसीव करें या तो डिस्कनेक्ट कीजिए। सारे लोगों को सर पता है कि जिसके पास आज के डेट में सर जिसके पास पावर किसके पास है, जिसके पास सर लोग है। अगर आपके पास आज हिंदुस्तान के 50 करोड़ जनसंख्या सर आपके पास है तो सर आप ही अगले होने वाले प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि सर आपके पास लोग हैं। अगर आपके पास लोग नहीं है आपके पास सर कुछ नहीं है। तो SMPN के पास सर लोग हैं, 8 महीने के अंदर 8.5 लाख एक्टिव एसोसिएट। इस बलबूते पर कंपनी सर कुछ भी कर सकती है। तो कंपनी आगे चल करके हमारा रियल एस्टेट में भी जाएगी, कंपनी आगे चल करके बैंकिंग सेक्टर में भी जाएगी जिसका ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है और बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट होगा। एक एप्लीकेशन ला रही है कंपनी, जिस तरह से फोन पे है उस तरह से शुभ पे, वाओ, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी एंट्री हो जाएगी। तो कंपनी एक बड़े मिशन और विजन के साथ चल रही है, हम लोग थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। अब हम लोग सर इसमें ये देखते हैं कि जो कंपनी आज दे रही है हम लोगों को ये सब जो पैसा कंपनी के टर्नओवर का, तो हम जब डायमंड बनते हैं, हम जब सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम क्लब में जाते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, जो कंपनी के टर्नओवर का 26% होगा वो कितना जाएगा। तो आज सर हम लोग इसको एकदम छोटा समझते हैं सर, एकदम छोटा लेवल से सोचते हैं कि एक भी आदमी जो शुभोत्तम कंपनी का मेंबर नहीं है, वो शुभोत्तम कंपनी का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, ऐसा मान के चलते हैं। जो इसका मेंबर है वही, क्योंकि जो इसका मेंबर है वो नहीं चाहते हुए इसका प्रोडक्ट खरीदेगा क्योंकि वो इसका मेंबर है, दूसरे लोग नहीं खरीदेंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम इसी तरह से करते हैं। और उसके बाद दूसरी हम इस चीज को मान के चलते हैं कि जितना आपको खरीदने के लिए बोला गया है आप उतना का ही खरीदारी करिए, एक रुपये भी ज्यादा का खरीदारी नहीं करते हैं, तब क्या स्थिति बनती है थोड़ा सा उसको देखिए सर। आज कंपनी में 1 लाख लोगों का सर पे आउट रिलीज होता है, 1 लाख लोग जो है शुभोत्तम में पर वीक पेमेंट ले रहे हैं। किसी सप्ताह ये लिए तो अगला सप्ताह उनका नहीं बना या 200 से कम बना, लेकिन लगभग 1 लाख लोगों का सर पे आउट बनता है। कंपनी में सर 6000 लोग जो है ये सिल्वर क्लब वाले हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्लब है और 6000 लोग जो है सिल्वर क्लब वाले हैं। कंपनी में जो गोल्ड क्लब की संख्या है वो है सर 1600 ऐसे लोग हैं जो गोल्ड क्लब वाले हैं, और कंपनी में जो प्लेटिनम क्लब वाले लोगों की संख्या है वो है सर 1000, और कंपनी में जो डायमंड क्लब की संख्या है वो है सर 500 प्लस है। हम इसको राउंड फिगर में सभी का सर मैंने राउंड फिगर लिखा है, 2-4 प्लस उसको मैंने छोड़ दिया एक कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक सर लास्ट में करते हैं सर। तो इसके बाद अब इसमें कंपनी का टर्नओवर कितना होता है हम लोग देखते हैं, क्योंकि टर्नओवर करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी स्टेट फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और मोबाइल फ्रेंचाइजी, जिसको हम लोग मिनी फ्रेंचाइजी बोलते हैं, उसको देने के लिए कंपनी कर दिया। बंगाल में एक यहाँ सीनियर है विमल मंडल, उन्होंने बंगाल की स्टेट फ्रेंचाइजी ले ली है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए जो है जो लोग जैसे जैसे करते जाएंगे बहुत जगह से आया हुआ है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट खाली है आपको उसका फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टेट वाले के लिए 5 लाख, जो पॉसिबल नहीं है बंदे ने जमा कर दिया 5 लाख, डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 लाख और मोबाइल फ्रेंचाइजी अनलिमिटेड लोग ले सकते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट 50,000 पैसा दीजिए, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा डीपी रेट पर, ठीक है सर। और उसके बाद आप अपना टीम को बिल्डअप करते रहिए। तो कंपनी कह रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर क्लब में है उनको सर पर मंथ 200 की खरीदारी करनी पड़ेगी,
कितने का सर? 200 रुपए का। पैसा देने का जरूरत नहीं है, इनकम होगा वहीं से कट जाएगा, आपको कैश देने का जरूरत नहीं है। और कट करके आपका रिपर्चेज फंड एक वैलिड रहेगा, उसमें आपका जमा हो जाएगा। लास्ट सर 20 तारीख तक आपका रिपर्चेज फंड रेडी हो जाएगा और वहां से कट कट करके आपका वैलेट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये लोग सर 200 की खरीदारी करेंगे, ठीक है सर। और ये लोग का सिल्वर क्लब कितना है खरीदारी करता है सर? 500। गोल्ड वाले 1000। ये 1500। और ये सर 2000। बस इसको फिगर को देखते हैं सर, दूर को 100000 से गुना करेंगे दूर, और इस पर 1 2 3 4 5 0 और 2 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 कितना हुआ सर? 2 करोड़। 2 करोड़ ही हुआ ना। हाँ, इसको गुना कीजिए, 6 5 30 और 5 0 30 लाख, 6 5 30 5 0 ये 30 लाख। इसको गुना करेंगे तो 16 लाख, इसको गुना करेंगे तो 15 लाख, और इसको गुना करेंगे तो 10 लाख, ठीक है सर। अब इसको टोटल अमाउंट को जोड़ते हैं, 30 लाख, 16 लाख, 46 लाख, 46 लाख और 15 लाख, 61 लाख और 61 लाख और 10 लाख, 71 लाख और प्लस 2 करोड़, यानी कि टोटल कितना हो गया सर? 2 करोड़ 71 लाख। 2 करोड़ 71 लाख का कंपनी का सर धंधा हुआ। अच्छा, कुछ ये मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है क्या सर? बहुत कम है ना? यस, बहुत कम है, क्योंकि सर जो लोग हैं 200 का ही खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? ज्यादा ही करेंगे, उससे ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, 2-4 रुपए ज्यादा, क्योंकि एकदम सामान का एग्जैक्ट रेट उतना कहाँ से निकालेंगे आप, और नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम 2 करोड़ 71 लाख पर ही कैलकुलेशन करते हैं सर। 50% के लगभग सर बीवी है, 50% के लगभग बीवी है, 2 करोड़ 71 लाख का 50%, 1 करोड़ 35 लाख। हम सर एक और भी कम कर देते हैं, 1 करोड़ 20 लाख पकड़ लेते हैं। ये हो गया बिजनेस वॉल्यूम बीवी। अब इसके ऊपर हमारा कमीशन डिसबर्समेंट होता है। अब हम लोग आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख बीवी के ऊपर जो हमारा कमीशन डिसबर्समेंट हुआ, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सिल्वर के हिस्से में कितना आया, जो हमारे सिल्वर क्लब वाले हैं। तो सिल्वर क्लब, इनको कंपनी के टर्नओवर का कितना मिलता है सर? 5%। इसका 5% कितना होगा? 6 लाख। 6 लाख हो गया ना सर। और 6 लाख को भागा दे दिए जितने सिल्वर है उसमें, सिल्वर कितने हैं? 6, तो इसको भागा दे दिए, 1 सिल्वर को कितना मिलेगा सर? 600 रुपया उसको महीना मिलेगा। कितना दिन तक मिलेगा? लाइफ टाइम मिलेगा। जिस महीने में खरीदारी नहीं करेगा 500 का, उस महीने में नहीं मिलेगा। जिस महीने में खरीदारी करेगा कंपनी के टर्नओवर का मिल जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। खरीदारी करो या नहीं करो, तुम अपना देख लो भाई, करना है कि नहीं करना है, ठीक है, उसको मिल गया। इस तरह से गोल्ड को कंपनी के टर्नओवर का 6%, 12 6 का 72, 7 लाख 20 हजार हो गया। और हमारे कितने हैं? 1600 गोल्ड क्लब वाले। कितना आया भाग देने पर? 450। 450 हमारा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड क्लब का। और सिल्वर क्लब का 100 रुपया ना, तो वो भी मिलेगा ना, क्योंकि एक बंदा ग्रेजुएशन है, मतलब प्लस टू तो किया ही होगा, बिना प्लस टू किया नहीं मिलेगा, तो उसका भी 100 रुपया सर, यानी कि 550। एक गोल्ड को 550, खरीदारी कितना है किया सर? गोल्ड 1000 का, 550 सर रिटर्न आ गया कंपनी के टर्नओवर का। छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आइए सर प्लेटिनम क्लब, कंपनी के टर्नओवर का सर 7%, इसका 7%, 8 लाख 40 हजार, 8 लाख 40 हजार भागा दे दीजिए 1000 से, कितना आया? प्लस 550, 1390, ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि कमीशन भी सर आएगा। अब आइए डायमंड में, डायमंड को देखते हैं सर। डायमंड में कंपनी के टर्नओवर का 8%, 8% निकालते हैं तो 12 बटे 9 लाख 60 हजार भागा 500, 1920 और प्लस ये 1390, 0 9 2 11 1, हाथ में लगा 1 9 1 10 3 13 3, हाथ में लगा 1 1 1 2 और 1 3, 3300 10 रुपए। कितना खरीदारी किया डायमंड? 2000। यही चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है कि सुबोधन कैसे दे रही है।
कैलकुलेशन से सर दे रही है, ऐसे नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसे कौन देगा सर, ऐसे कोई देता है सर? बड़ी बड़ी कंपनियां अगर घाटा में जाती है ना सर, बोनस नहीं देती है, पेमेंट नहीं देती है, तो ये कैसे दे पाएगा? इम्पॉसिबल है सर, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर फायदा है तो संभव है, अगर फायदा नहीं है तो संभव नहीं है। चिल्लाने से और धरना देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब हो गया इधर से एसोसिएट का हक में, अब आइए कंपनी के हक में देखते हैं, कंपनी कैसे दे रही है। जो हम लोगों के मेन जो सवाल है, सर कंपनी कैसे दे रही है, ये कैसे संभव है? अब इस चीज को, कैलकुलेशन को समझ करके हम लोग सर मीटिंग को खत्म कर दें, क्योंकि 7 मिनट और टाइम है। सर 1500 के हमने ज्वाइनिंग लगाई, मैं 1500 के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अगर बोलिए कोई और दूसरा मैं उसका भी समझा दूंगा। 1500 ठीक है, तो मैं 1500 के ऊपर बता रहा हूँ। 1500 में क्या है सर, कि यहाँ पर कंपनी ने जो बाइनरी दिया, कितना दिया था सर, 120 रुपया निकाला था ना, एक आईडी पर 60 रुपया। बाइनरी सर 3 जगह हिट कर जाता है, 180 रुपया बट गया, 3 जगह से 4 जगह हिट नहीं करेगा, आप निकाल करके देखिएगा, लेक्सेशन जाने लगेगा, क्योंकि 5 पेयर की कैपिंग है। 180 रुपया कंपनी ने मैचिंग इनकम में बांट दिया। उसके बाद क्या है, जनरली हम लोगों का रिचार्ज, आप लोग जैसा बताएंगे वैसे ही सर हम बोलेंगे, जनरली आप लोगों के रिचार्ज, जनरली जो टेलीकॉम कंपनियां जो है आपके पास, एयरटेल, आइडिया, वोडा और जियो और BSNL, ये 5 ही है। इसमें से ज्यादा मैक्सिमम कस्टमर किसके हैं सर? जियो। जियो के आप ही लोग बता रहे हैं। तो जियो का रिचार्ज कितना में हम लोग दे रहे हैं सर? 199। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ, हम लोगों का 50 में मिलता है, 60 में मिलता है, जियो के साथ टाइप कोई सब सर फॉल्स बातें हैं। जमीनी स्तर में आइए सर, बड़ी मजा आएगा। इस तरह से साउथ के लोग ना अगर हवाई जहाज में बैठते हैं तो लुंगी बांध के चढ़ जाते हैं, क्यों? उनका जमीनी स्तर है। ऐसा नहीं कि वो हवाई जहाज पे बैठेंगे तो कोट पैंट पहन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़े से बड़े वहाँ का कलाकार जो है वो भी सब धोती में चल देता है, क्योंकि वो उसका ग्राउंड लेवल का वर्क है, वो नॉर्मल लाइफ अपना जीता है। जब नॉर्मल लाइफ जिन आप लोग, हम लोग इंजॉय करेंगे ना, तकलीफ नहीं आएगी। जब दिखावा करेंगे ना तभी तकलीफ आएगी। कभी मुर्गा खाया नहीं है कांटा वाला चम्मच से, खाएंगे तो पूरा गंदा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीजें नहीं करनी है सर। तो यहाँ पर 180 रुपये कंपनी का चला गया, और उसके बाद रिचार्ज में कंपनी ने रिचार्ज में 199 का रिचार्ज देती है, 3 से 4 रुपये सर रिचार्ज में कंपनी को बचता है, बैक आता है। हम उसको सर 200 रुपया पकड़ लेते हैं, जियो का रिचार्ज 200 रुपये चला गया। अब उसके बाद क्या चला गया, एक रिवार्ड में लगता है सर, क्योंकि रिवार्ड में काउंट है ना, ये काउंट है रिवार्ड में, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 120 रुपया सर। आप बोलेंगे 120 रुपया का रिवार्ड हो जाएगा, तो हम देखते हैं सर उसको। पहला रिवार्ड हमारा कितना पेयर पर है सर? कितना का रिवार्ड? 2500। कितने आईडी लगाने पर सर 2500? 200। एक आईडी पर एवरेज 12.50 रुपये सर, 520 नहीं, 200 आईडी लगाने पर 2500 देती है कंपनी, तो एक आईडी पर 12.50 रुपये। मैंने रिवार्ड के लिए कितना घटाया है, 120 रुपया रिवार्ड में बांटी। अब आप सोचते हो कि तो उल्लू बना रहा है पहला वाला पर, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं सर। नेक्स्ट वाला कितना पर है? 250। पहला वाला काउंट होता है इसमें? नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट है। तो टोटल यहाँ पर कंपनी कितना देती है सर? 6000। ठीक है, कितना आईडी लगाने पर 6000? 500 भागा दीजिए सर 12 रुपया। मैंने कितना घटाया सर? 120 सर, जितना होता है उसका 10 गुना। और कोई रिवार्ड को पकड़ लीजिए, जो आपको इच्छा करता है उसे पकड़ लीजिए, और ऊपर पढ़ना है इसके ऊपर में भी आएंगे ना सर, 500 वाला पर, उस पर भी वही देखेंगे और कम हो जाएगा। और चुनार BMW जहां जाना है सर चले जाइए, आप निकालेंगे तो सर कम ही है। ठीक है, और देख लीजिए शक हो रहा होगा कि नहीं कम नहीं होगा, तो हमारा सबसे टॉप रिवार्ड 5,00,000 पर है। कितना है? 5,00,000 पर। कितना है? 1,25,00,000। 1,25,00,000 है हम लोग का सबसे बड़ा वाला रिवार्ड, BMW 1,25,00,000। 1,25,00,000 ठीक है, चलिए भागा कर देते हैं। कितना हुआ? 10,00,000। 10,00,000 से भागा देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,000। ठीक है सर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जीरो, 1, 2, 3,
चार पाँच, पाँच को जीरो से पाँच को जीरो कट गया सर, 125 भागा 10 कितना आया? साढ़े बारह ही है, सब घुमा फिरा करके हमारा 12:30 ही आ रहा है, और एक रिवार्ड दूसरा जगह काउंट नहीं होता है। बस हो गया सर, खत्म हो गया, बस दो मिनट भाई, बंद करवाना है, बंद कर दो, कर दीजिए, बंद करे ना सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर हो गया हमारा, इससे ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कंपनी का मैंने यहाँ पर क्या किया उस हिसाब से सर, मुझे कितना निकालना चाहिए था? 5 मिनट यहाँ सर, 20 रुपए निकालना चाहिए था, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़िए तो सर कितना आ रहा है? 0 8 0 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
रेवेन्यू कितना बचा? 1100। चलिए अगला बंदा को फिर रिचार्ज 200 200 200 200 करके दिया गया, ठीक है सर। उसके बाद इस हॉल में जैसे जितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग सर सिल्वर क्लब है, सिल्वर क्लब मतलब सिल्वर से ऊपर भी होगा तो सिल्वर क्लब है ना? हाँ। जी जी, सिल्वर से ऊपर भी होगा तो सिल्वर क्लब। थोड़ा सा सर हाथ उठाइए, गोल्ड प्लेटिनम वाले भी हाथ उठाइए, ठीक है सर। बिल्कुल देख लीजिए, अब इसी हॉल में हम लोग सर रुकिए लीजिए सर। अच्छा चलिए रखिए रखिए बस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सिर्फ जो है यहाँ पर मोटा मोटी जो है लगभग 80 लोग हैं, राउंड फिगर में हम सर 80 लोगों को पकड़ लेते हैं, 80 लोगों को, ठीक है सर। देखिए कैलकुलेशन को, बस इसी कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाएगी कंपनी रहेगा कि भागेगा, क्योंकि हम आकर के बोलते हैं कंपनी रहेगा तो नहीं रहेगा, हमारे बोलने से रहेगा कंपनी नहीं रहेगा। अगर बोला जाता है ना कि अगर हमारे श्राप देने से अगर विनाश होने लगे तो हम तो सर शराब ही देते चलेंगे, और हमारे वरदान देने से अगर लोगों का भला होगा तो सभी लोगों को सर एकदम मतलब कि सुपर स्टार बना देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है, सारी चीजें सर लॉजिक पर चलती है। तो हम लोग इसको देखते हैं, हॉल में सर 80 लोग बैठे हैं, डायमंड कौन कौन लोग हैं? डायमंड क्लब 1 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है 6 लोग डायमंड क्लब, और टोटल हॉल में कितने लोग बैठे हैं? 80 लोग। देखिए सर कैलकुलेशन, 400,000 से कंपनी में चला गया, अब एक सिल्वर बनते हैं कंपनी में तो क्या स्थिति है सर? एक सिल्वर बनते हैं कंपनी को कितना दिए? 2000 रुपया, और कंपनी कितना बांटती है? एक लेफ्ट में सिल्वर, एक राइट में सिल्वर, 400 रुपया, यानी 2 ID पर 400, एक आईडी पर 200। फाइनली सर 3 जगह हिट करता है 600 रुपया, और एक आदमी को सर स्पॉन्सरिंग मिलेगा कितना परसेंट? 10%। कितना हुआ 200 का 10%? 20 रुपया। कंपनी ने स्पॉन्सर को दे दिया 20%, इसीलिए कि जब लेफ्ट राइट होगा तो 400 की मैचिंग और 40 रुपया स्पॉन्सर हो जाएगा, तो एक आईडी पर कैलकुलेशन कितना है? 20 रुपया। टोटल डिस्बर्समेंट कितना हो गया? 620। 2000 में से 620 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 1380 रुपये। सर कंपनी को एक सिल्वर बनने से फायदा होता है, 1380 रुपये कंपनी को एक सिल्वर बनने से फायदा होता है। और एक सिल्वर जो है कितने टाइम में बन जाएगा सर? लोग एकदम मतलब नॉर्मल चार, बहुत ज्यादा मिंटू पाठक जी जैसे और गणेश प्रसाद जी जैसे ब्रिलियंट नहीं हो और पूरा डेडिकेटेड नहीं हो तो तब भी 3 महीना 4 महीना 4 महीना सर 4 महीना, चलिए 4 महीने एवरेज सर, 6 महीना कर दीजिए। कई बहुत लोग मतलब की सोचे हैं जा रहे हैं, जैसे एक साल आए थे वहां पर जो खड़े थे बोले कि सूरत में गाड़ी लगा ली है, 4-5 महीना सोचे और फिर काम उन्होंने स्टार्ट किया, वैसे भी सोचने और समझने वाले लोग रहे हैं, तो वैसे लोगों का भी सर कदर करना है कि क्या स्थिति बनती है। सर कंपनी को कमीशन का बांटने के बाद, रिचार्ज बांटने के बाद 1100 रुपये बच गए कंपनी ने इसको, और 5 महीना रिचार्ज दिया, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? यस बिल्कुल। बंदे ने अब 6th महीना हुआ और बंदे ने क्या किया? सिल्वर बन गया, तो फिर 1380 दिया, फिर 200 करके देना से 6 महीने दे देगा, तो इधर से कितना बचेगा? 180, और 100 यहाँ बचा, 280 कंपनी को फिर भी बचत होगी। वाह वाह, नहीं है। अब चलिए उधर इधर उधर की बातें नहीं करता, इसी हॉल में बैठे हुए यहीं से रिजल्ट देखते हैं। तो एक सिल्वर बना तो कंपनी को कितना दिया सर? 1380। सेम इसी तरह से गोल्ड, गोल्ड जब बनता है तो कंपनी को 4000 दिया ना सर फ्रेश, 2000 का कैलकुलेशन कर दिया इसलिए 2000 को अगेन काउंट नहीं करेंगे, फिर 4000 पर आते हैं।
इसमें सर 400 रुपए क्योंकि 800 का पेयर है, दो आईडी पर 800, बहुत जल्दी बोल रहे हैं सर, ध्यान देता इधर से घटाइएगा। तीन जगह हिट किया 1200 रुपया और एक जगह स्पॉन्सरिंग 20% 80 रुपया क्योंकि 400 का 20% 80, 1280 रुपया सर बढ़ गया। 4000 में 1280 माइनस कर दीजिए कितना है 2720। ठीक है सर, अब सेम इसका अगला स्टेप जाते हैं। क्या रैंक है? प्लेटिनम में कितना रहता है? 8000। बाइनरी कितना है सर? 1600। एक पार्ट पकड़ेगा तो 800, तीन जगह हिट किया 2400, स्पॉन्सरिंग कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा सर? अरे कितना आएगा? 240 आता है दो आईडी पर, एक आईडी पर जोड़ दीजिए सर 2640। 2640 माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए 5360। ठीक है सर 5360। और लास्ट और डायमंड, डायमंड में कितना दिया? 16000 का लगेगा, तीन जगह हिट करेगा 4800, इसका 40% 940 जोड़ेंगे 5440, माइनस करेंगे 16000 में 5440 करेंगे, घटे क्या आएगा और 11 में 5 14। ठीक है सर 14560 कंपनी को बचत हो गया ना, डायमंड सिर्फ और सिर्फ डायमंड। ये कैलकुलेशन समझ में आया सर? सर सीनियर से समझ में आ रहा है, 10,500 ये हो गया। अब इसको सर जोड़ते हैं, सिल्वर में 1380, गोल्ड में 2720, प्लेटिनम में 5360 और डायमंड में 5,10,560। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा सर? 0,00,00 8, 10, 16, 6, 22, ये 2 हाथ में लगा 2, 7, 3, 10 और 3, 13, 5, 18, 2, 20 ये 0 हाथ में लगा 2, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 10 ये 0 हाथ में लगा 1, 1, 2, 20,020 रुपये 2020 हो गया। कंपनी को कितना फायदा हुआ है एक डायमंड बनने से? 20,020 रुपये। और हॉल में कितने डायमंड है सर? 6। डायमंड है सर 2 डायमंड हो गए। आप सर 3, 2, 5 हो गए और बाकी लोग 5, 2, 7, 7, 3, 10, 2, 12 5 लोग और एक डायमंड कौन? मेरा जोड़ लीजिएगा। अरे भाई वो झारखंड वाले, स्टेट का सपोर्ट और दूसरा स्टेट का सपोर्ट किस स्टेट के लोग क्यों लेंगे? नहीं लेंगे वो, हम कंट्री वाइज बात आएगी ना सब लेंगे। तो 13,20,000 रुपये का फायदा कंपनी को हुआ और 13 लोगों से $2,60,000 हॉल में बैठे वासी लोगों का कैलकुलेशन निकालते हैं, वासी आदमी को कंपनी रिचार्ज देगा 2400 का रिचार्ज देगा ना, गुना करते हैं सर 8, 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8, 2, 16, 3, 3, 0 बैठा दिए कितना का रिचार्ज देगा टोटल लोगों, हॉल में बैठे हुए लोगों कितना का रिचार्ज देना पड़ता है और इसी हॉल में बैठे हुए लोगों से कंपनी ने कितना कमाया? घाटा की फायदा प्रैक्टिकल सर। हो गया कि नहीं हो गया क्लियर? यस। और कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। अभी जिंदगी रही आप लोगों ने कभी याद किया तो जल्दी।